एक बस कानपुर से बनारस जा रही थी। एक बुढ़ा आदमी उस पे सवार हुआ और एक सीट पर जाकर बैठ गया। बस का कंडक्टर बहुत ही भला आदमी था। वह महिलाओं और बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता था। वह बुढ़े बाबा को देखकर सोचा, इतने बुजुर्ग बाबा हैं, इनसे क्या टिकट लेना। अतः वह बुजुर्ग आदमी के पास टिकट बनाने भी नहीं गया। बस बनारस की ओर जा रही थी। कंडक्टर की नजर उस बाबा पर गई। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। बार बार वो खिड़की से बाहर देख रहे थे तो कभी दाएं बाएं देखते। बाबा कोई दिक्कत है क्या? बेटा वो क्या कहते हैं, मैं नाम ही भूल गया। अरे हाँ, अलाहाबाद आया। इतना सुनते ही कंडक्टर बोला, अच्छा मैं समझ गया बाबा, आप निश्चिंत रहे, अलाहाबाद आते ही मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है बेटा। कंडक्टर का बात सुनते ही बाबा इत्मीनान हो गया। फिर भी दो तीन बार उन्होंने कंडक्टर को बुलाकर पूछा कि अलाहाबाद आया कि नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा की आंख लग गई। किसी भी सवारी को अलाहाबाद नहीं उतरना था, इसलिए कंडक्टर भी काम में व्यस्त होकर भूल गया कि बाबा को अलाहाबाद उतरना था। तब कंडक्टर को याद आया, बस काफी आगे निकल चुकी थी। कंडक्टर को बहुत पछतावा हुआ। वो जाकर ड्राइवर से आग्रह करता है, बाबा बुढ़ा आदमी है, इतनी गर्मी में कहाँ धक्के खाएंगे, उसको वापस घुमा लो ताकि उनको स्टॉपेज पर उतारा जा सके। कंडक्टर के बार बार आग्रह करने पर यात्रियों के रोष के बावजूद भी ड्राइवर ने बस वापस घुमा ली। चलो अलाहाबाद। बाबा जी उठिए, अलाहाबाद आ गया। बेटा मेरी बेटी ने कहा था अलाहाबाद आ जाए तो दवा खा लेना। शुक्रिया ये याद दिलाने के लिए। को अलाहाबाद नहीं उतरना था। मैंने कब कहा मुझे अलाहाबाद उतरना था, मैं तो बनारस जा रहा हूँ, बस भी वहीं जा रही है। ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं तो बोल रहा था कि अलाहाबाद आ जाए तो बता देना, मैं दवा खा लूं।